करोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्वेश्चन को देखते हुए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑलराइट। सो दिस इज नॉर्मल एट अल्फा एंड ऑल थ्री नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट, ऑल थ्री नॉर्मल्स एट कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट्स। तो पहली वाली नॉर्मल के कोफिशियंट्स क्या है बच्चों, ये तीन कोफिशियंट्स हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई टू। देन बीटा वाली नॉर्मल के कोफिशियंट क्या होंगे, ऑब्वियसली सेम सेम, अल्फा की जगह बीटा रख दो, है ना। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई टू, एंड देन तीसरा वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा, ए साइन गामा एक्स माइनस बी कॉस गामा वाई इक्वल्स टू दिस, बस खत्म। यही तो प्रूव करना था, देखो कॉन्करेंसी के लिए ये ट्रू होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स हैज टू बी जीरो। एंड आई एम होपिंग कि तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद हो, कि ये याद है कि एक रो या फिर एक कॉलम में से, एक रो या फिर एक कॉलम में से एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट यू कैन टेक इट कॉमन आउट। तो जैसे पहले कॉलम में से ए कॉमन आ जाएगा, दूसरे कॉलम में से माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और तीसरे कॉलम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर बाई टू कॉमन आ जाएगा। तो ये लेफ्ट विथ बस खत्म, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन टू अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन टू बीटा साइन गामा कॉस गामा साइन टू गामा जीरो। तो इसको भी जीरो में फेंक दो, हो गया प्रूफ। तो ये थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, वी स्टार्ट थिंकिंग कि सडनली को नॉर्मल पॉइंट का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली को नॉर्मल पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, दिस वॉज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अच्छा, बट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है प्रूफ समथिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा। कितने बच्चों को ये याद आ रहा है, उसने बोला नॉर्मल सेट अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉन्करेंट, तो अल्फा बीटा गामा, नॉर्मल सेट अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉन्करेंट, तो कितने बच्चों से हमारा है, देयर हैज टू बी अ फोर्थ पॉइंट, क्योंकि हमेशा एक पॉइंट से चार नॉर्मल होती है। वी सॉ दिस मैथमेटिकली लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट आई थिंक, एक पॉइंट से चार नॉर्मल्स ड्रॉप कर सकते हो। उसने बस क्या दिया होगा, अल्फा बीटा गामा पे नॉर्मल्स कॉन्करेंट हैं, बट मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, चौथा पॉइंट होगा ही होगा, वी हैव टू राइट दिस मैथमेटिकली लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो लेट द फोर्थ पॉइंट बी डेल्टा विच इज नॉट गिवन टू अस, ओके। तो अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर देखा जाए, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को नॉर्मल बोल सकता हूं, और अगर ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो मैं ये रिजल्ट तो यूज कर ही सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 2n प्लस 1 पाई। आई होप ये समझाओ, बट उसने कुछ और पूछने के लिए बोला है, साइन अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, डेल्टा उसने कुछ दिया ही नहीं है। अरे यार एक सेकेंड, अच्छा रुको, इफ यू रिमेंबर जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे देखा, मैंने प्रूव करने के लिए बोला था, जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने प्रूव करने के लिए बोला था कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर को नॉर्मल पॉइंट्स, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर को नॉर्मल पॉइंट्स, तो ये समेशन कॉस एंड समेशन साइन, देखो अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में दैट वोज टू समेशंस वर जीरो, यस और नो, देखो एक बार, यस सर, जस्ट इसके पहले ही प्रूव करवाया था मैंने, तो आपको उसी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन करना था, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा, ऐसा वी नो दिस इज जीरो, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इन प्रीवियस क्वेश्चन वी सॉल्व दैट अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो ये ट्रू होगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें छह टर्म्स हैं एंड इसमें डेल्टा भी है, बट अपन को जो प्रूव करना है उसमें तीन टर्म्स हैं और उसमें डेल्टा नहीं है। ओके, सीधी सी बात, लुक एट दिस, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, अभी ठीक है ना, अल्फा प्लस डेल्टा को कैन आई राइट इट एज, अल्फा प्लस डेल्टा कटा दो, इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड गामा यू कैन सब्स्टिट्यूट, है ना, बट साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा, तो कितने बच्चों को समझा, अल्फा प्लस डेल्टा वाला टर्म इज एज गुड एज बीटा प्लस गामा वाला टर्म, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, सिमिलरली बीटा और डेल्टा को हटाओगे तो यू विल बी लेफ्ट विद अल्फा प्लस गामा, और इन दोनों को कटाओगे तो यू विल बी लेफ्ट विद साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखो बेसिकली हो क्या गया, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा तो ये बचा, डेल्टा भी एलिमिनेट हो गया और जो प्रूव करना था वो भी आ गया।
ठीक है, सिंपल। तो ये टू को उधर फेंक दो, दैट्स इट। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस भी समझे हो। तो लाइक जो भी कोई कुछ भी पूछ सकता था मैंने सब करा दिया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना भी नहीं पूछते यूजुअली तो, बट अगर ऐसे ही देखा जाए तो अपन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ सकता आपको कौन नॉर्मल पे हो कौन साइक्लिक पे, ठीक है। आई होप यू क्वेश्चन समझे, इजी थे, डिफिकल्ट तो नहीं थे यार, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करें हाइपरबोला से। सर नोट करने दो यो। तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, करना है तो कर लो, श्योर। बट वैसे मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही, जैसा आपको सही लगे। इनफैक्ट घर पे कर लेना है, चलो मैं पढ़ाई देता हूँ, चलेगा क्या? यस सर। आराम से घर पे आराम से वापस से देख लेना, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं पढ़ाई देता हूँ, पीडीएफ तो रहेगा ही आपके पास, ओके। चलो सो हाइपरबोला देखो, बिफोर वी स्टार्ट में एक दो चीजें पहले ऐसे मेंशन कर देता हूँ। हाइपरबोला सबको पता तो है, बट अपन को फिर से पूरा का पूरा डिराइव करके पूरा पूरा एक से सेम टू सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलिप्स में अपन ने बहुत डिटेल में किया था, कंस्ट्रक्शन पूरा अपन ने देखा था क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहले तो एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट लिखते से ही आपका बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता पड़ गई। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? रिजल्ट्स ऑफ इलिप्स वेयर बी स्क्वायर इज देयर। आई डिडंट से बी, आई से बी स्क्वायर। ऐसे रिजल्ट्स इलिप्स में जहां पे बी स्क्वायर था, ठीक है, रिप्लेस बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर, वी गेट द करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑफ हाइपरबोला। चलेगा? तो ये एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया, और अगर अज्यूमिंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें याद ही हो गई अपने आप, ऑलमोस्ट अपने आप सारी चीजें याद हो गई। तो इलिप्स का कोई सा भी रिजल्ट याद करो जिसमें यू रिमेंबर एनी रिजल्ट जिसमें बी स्क्वायर होता था। तो मुझे सोच के बताओ, जैसे स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होता था? एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर अगर हाइपरबोला का स्लोप फॉर्म मांगो तो आपको याद हो गया क्या अभी क्या? yes, अगर yes, तो हाइपरबोला का भी पता है। जैसे डायरेक्टर सर्कल, व्हाट वाज डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स? दिस। देन व्हाट विल बी द डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला? माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, एक एक करके सब देखते जाएंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं, आप अगर स्टार्टिंग के दो लेक्चर मिस भी कर देते हो तो भी आपको हाइपरबोला आता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो दिस इज लाइक अ क्विक रिविजन ऑफ इलिप्स, देखते जाओ, ठीक है। तो पी एच इक्वल टू ई पी एम, तो इसमें आप डायरेक्टली बता देता हूँ कौन सी चीजें क्या होती है, सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें इलिप्स याद है तो ये भी अच्छे से याद है, तो देखते जाओ। अगर इलिप्स याद है तो ये भी याद ही है तुम्हें। अरे ज्यादा हो गया, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस पे बच्चों ये वाला जो एक्स एक्सिस है, जैसा उसमें किया था सेम टू सेम इधर भी करो। फोकस क्या होता है बच्चों? इसके भी दो फोकस होते हैं, और क्या होंगे इलिप्स में? क्या थे? सेम टू सेम यहां पे होंगे। वर्टेक्स लो बच्चों, ए और ए डैश, ऑलराइट, ऐसे वर्टेक्स लो और डायरेक्ट्रिक्स लो। तो हमें फोकस पहले से ही पता है, फोकस होते हैं बच्चों प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, पूरा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें एक्चुअली कैसा दिखता है हाइपरबोला में, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। ये एसिम्प्टोट बना लो? नहीं एसिम्प्टोट नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, एसिम्प्टोट थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, फोकस तो भाई ये ए कॉमा जीरो, फोकस ए कॉमा जीरो है एस एन एच डैश, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है एक्स इक्वल टू ए बाई। बट कितने बच्चों को याद आ रहा है इसमें ई ग्रेटर देन वन होता है, इसमें ई ग्रेटर देन वन होता है। तो ई ग्रेटर देन वन है तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ए बाई बड़ा है कि ए बड़ा है, कौन सा बड़ा है? अगर यही बड़ा है तो फोकस इधर आ जाता है और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाता है। तो रेड वाली जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो मैं सब कुछ लिख देता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो फोकस सेम प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ए और ए डैश जो थे वर्टाइसेस थे। देखो बच्चों क्या बनता है, ये लाइन हो गई एक्स इक्वल टू ए बाई ई,
ये होता है x इक्वल्स टू माइनस ए बाई, तो डायग्राम में थोड़े माइन्यूट से चेंजेस हैं बट फॉर्मूला सारे सेम है। ये ए कॉमा जीरो, ये अनदर फोकस एस डैश इज माइनस ए कॉमा जीरो एन ई डैश आर वर्टाइसेस। तो पहले हाइपरबोला बना देता हूँ, फिर अपन इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं, फिर इसमें क्या 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 होता है सब अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा जा रहा है बच्चों, समथिंग लाइक दिस ऐसा जाता है, और इसका एकदम मिरर इमेज इस साइड पे आता है। ये मैंने शायद डायग्राम अच्छे से बनाया नहीं, बट ठीक है, फील ले लो। सर आपने फोकस के थ्रू पास करा, सर आपने फोकस से बना दिया, वही तो सोचूं क्या गड़बड़ करी, इसलिए तो गंदा दिख रहा है वो। थैंक यू। अबे यार इस डायरेक्शन में बनता ही नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों। Turn it the opposite way and then draw na. अब बन गया, चलो ऐसा होता है, दिमाग खराब, बन ही नहीं रहा इस डायरेक्शन में, हाथ ही नहीं चलता, पता नहीं। चलो एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये हाइपरबोला ऐसा दिखता है, ऐसा, दिस इज व्हाट अ हाइपरबोला लुक्स लाइक। तो अपन हाइपरबोला का इक्वेशन डिराइव करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा डायग्राम क्यों आ रहा है, बट मैंने हाइपरबोला पहले बना दिया। सर द हाइपरबोला डज इट पास थ्रू दैट AA डैश और इट डजंट? इट डज पास थ्रू AA डैश। ओके, इट डज पास थ्रू। ऐसे लगता दो पैराबोला बन, नहीं 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 नहीं, सुनते जाओ मैं सब क्लियर करूंगा। नो, इट्स नॉट टू पैराबोलास, इट्स टू ब्रांचेस ऑफ अ सिंगल कर्व हाइपरबोला, दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, और सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो देखो क्या चल रहा है, अब ठीक, अब जीता बन गया, ठीक है, भाग जाओ, हो गया। हाँ, सो इसका फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो इक्वेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। देखो कैसा आएगा, एकदम इलिप्स वाली इक्वेशन आने वाला है। तो यू नो फोकस, यू नो डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बन जाता है देख लो बच्चों, बिल्कुल साफ साफ है। लेट देयर बी अ पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, जिसका लोकस निकालना है। तो पी ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, यही हर चीज के लिए लोकस होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम डालो, तो वी आर गोइंग टू यूज पी ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन इज बेसिकली दिस। तो ये देखो वही इक्वेशन बन रही है, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन बन रही है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस, अरे ई स्क्वायर कहाँ गया, सॉरी, ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर था ना। तो ई स्क्वायर के साथ क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स। तो टू ए ई एक्स टर्म्स कैंसल्स आउट, व्हाट डू वी गेट, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर एज इट इज, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये सबको इधर उधर क्रिस क्रॉस ऐसे कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड करो इस साइड, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, आफ्टर डिवाइडिंग यू आर बेसिकली लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, है ना। और अगर आप लोगों को याद है तो, अगर इलिप्स के नोट्स खोल के बैठे हो तो देखो यही का ये इलिप्स में भी आया था, है ना, द सेम थिंग वी ऑब्टेंड इन इलिप्स आल्सो, बट थोड़ी सी चीजों का डिफरेंस तो है। तो वो देखो मैं डिफरेंस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ई स्क्वायर जो है, यू अंडरस्टैंड, ई एक्चुअली ग्रेटर देन वन है और ई ग्रेटर देन वन है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, और 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, तो उसको ऐसे करके ई स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूं मैं, ऑलराइट, ऐसा। तो अब यहां से देखो, यहां पे जो छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वही माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है ये वाला, ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 दोनों पॉजिटिव टर्म से बच्चों, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं नया टर्म असाइन कर रहा हूं बी स्क्वायर, तो इसको मैं नया टर्म असाइन कर रहा हूं बी स्क्वायर। Hence, what is our standard hyperbola? अपना standard hyperbola क्या derive होता है बच्चों? ये रहा। जैसा कि मैंने बताया, literally b square की जगह minus b square रख दो। तो standard hyperbola is x square by a square minus y square by b square equals to 1. What about b? या फिर eccentricity, बाजू में लिख देता हूँ। a square is b square into e square minus 1. All right? तो इससे क्या मिल रहा है? नहीं, मैंने उल्टा लिखा। b square is a square into e square minus 1.
तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस वन, तो इसेंट्रिसिटी का बच्चों ये फॉर्मूला बनता है. तो इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर एलिप्स, यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर हाइपरबोला. बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया बच्चों, ठीक है. तो दीज आर द चेंजेस एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. की बॉस ये आ रहा है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ऑलराइट, तो याद हो गया अभी के अभी, आई एम प्रीटी श्योर. और कोई चेंजेस नहीं है लिप्स में से, तो इसलिए इसको याद रखना कोई इतना बुरा भी नहीं है. तो इसके अपन थोड़े से नोटेशन वगैरह देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं. वैसे नोटेशन भी एग्जैक्ट सेम, नीचे स्क्रॉल करो ना. एक सेकंड, नोटेशन भी एग्जैक्ट सेम एज दैट ऑफ एलिप्स, सब कुछ सेम है बच्चों. तो जैसे ये फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, ए और ए डैश वर्टेक्स है. तो देखो नोटेशन देख लेते हैं अपन. हाँ वैसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, बोलो. इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग देन फील फ्री टू आस्क. अंशु भी दो मिनट रुक जाओ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ. बट ध्यान से देखो, इसमें एक पॉइंट रहता है जो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए. इसमें मेरी बात अच्छे से समझना. इफ इट इज गिवन दैट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें कौन बड़ा है, बी बड़ा है कि ई बड़ा है? सॉरी, बी बड़ा है कि ए बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर, बी और ए, अकॉर्डिंग टू यू? बी तो कोई भी हो सकता. हाँ एक्चुअली इसमें कोई भी हो सकता है, ध्यान से देखना. एक काम करो, ऐसे सोचो, ये याद रखना, इफ ई इज रूट टू, इफ ई इज रूट टू, अगर ई रूट टू है तो कौन क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे पुट करो. इफ ई इज रूट टू, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर. हाँ तो बच्चों ई रूट टू पे ए और बी इक्वल हो जाते हैं. फिर उसके बाद मुझे सोच के बताना ऐसे कि ई अगर रूट टू से बड़ा है तो अब कौन ग्रेटर है. नोइंग दिस, अगर ई रूट बी बड़ा हो गया ना, बी ग्रेटर देन ए, और इसेंट्रिसिटी रूट टू से छोटा है, अगर क्या इसेंट्रिसिटी रूट टू से छोटा हो सकता है? हाँ यार क्यों नहीं हो सकता, वन से बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए. तो इसेंट्रिसिटी वन और रूट टू के बीच में, तो ए ग्रेटर देन बी होगा. तो अब मुझे सोच के बताओ, अंटिल एंड अनलेस इसेंट्रिसिटी हैज बीन मेंशन टू मी, कैन आई रियली कमेंट ऑन ए और बी कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? फॉर श्योर ठीक है, वी कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट. तो प्लीज रिमेंबर दिस, इसमें ए ग्रेटर देन बी वाला फंडा नहीं है, वो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो. इसमें ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, वो इसेंट्रिसिटी का गेम हो गया, ठीक है. तो इसमें बस अभी इतना ध्यान में रखे रखो, किससे क्या फर्क पड़ेगा सब मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी. बट ये जो ऑब्वियस सी बातें ना, फुद्दू फुद्दू सी बातें, वो अपन पहले से ऐसी डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं कि पता है हम लोगों को, वापिस से रीडिराइव करने का पॉइंट नहीं है. बट अभी ऐसे मेंशन कर रहा हूं, इसको तो अपन को सबसे डिटेल में पढ़ना है. ई रूट टू, इसको बच्चों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बस ऐसे अभी लिख लो, जैसे जैसे मैंने इसका नाम बताया, ई रूट टू इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है. अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं, अननो इन्फॉर्मेशन हैज बीन डिस्क्लोज, नथिंग हैज बीन टोल्ड, जस्ट ऐसा होता है कुछ जिसको अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे हाइपरबोला के. और यही इस पे ही जेई आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल हाइपरबोला पे तो कोई नहीं पूछता, ठीक है. तो अपन पहले इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं कि किसको क्या फलाना ढिमका बोलते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. तो इस बार मैं थोड़ा सा और लिखा रहा हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लेना और बड़ा डायग्राम बना लेना. तो बच्चों अगर आपको एलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, एलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज याद है, तो हाइपरबोला की भी सब कुछ याद है, सारी लेंथ और ये. तो कितने बच्चों को याद आ रहा है फोकस क्या होते थे बच्चों? एस एन एस डैश एंड दे आर गिवन बाय प्लस माइनस जीरो, ठीक है. डायग्राम में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है बट ठीक है, नथिंग एकदम हाई फाई. डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? लाइंस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, ऑलराइट. उसके बाद मुझे बताओ वर्टाइसेस किसको बोलेंगे, इसके वर्टेक्स ए एंड ए डैश, व्हिच विल बी गिवन एज प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. ये देखो इसमें एक्स सॉरी वाई जीरो रख दो, कहां पे कट कर रहा है ये, कहां पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, y को जीरो को, तो प्लस माइनस ए पे मीट करता है एक तरीके से. तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो सेम एज एलिप्स, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो सेम एज एलिप्स. ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा नया टर्म आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा. मुझे एक बार इक्वेशन देख के बताओ, x की जगह माइनस x डालो, y की जगह माइनस y डालो, कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन में? तो इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस, this is also symmetric about x and y axis. तो इसका भी दो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोले तो ये देखो दोनों x and y axis, but थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है,
एक दिख रहा है x एक्सिस और एक दिख रहा है y एक्सिस। तो पहले ध्यान से देखना, एक होता है, नाम चेंज हो गया है बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब लाइन ए ए डैश, लाइन ए ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज राइट नाउ x एक्सिस। इस वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ट्रांसवर्स बोलते हैं। पहले बोलते थे मेजर एक्सिस, अभी क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज लाइन ए ए डैश। तो इसका इक्वेशन क्या है, बेसिकली x एक्सिस है मतलब y इक्वल टू जीरो, और इसका लेंथ क्या होगा आपके हिसाब से बताओ? 2a वही है समझ गया ना। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस नाम चेंज हो गया। दूसरा वाला क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस इसका नाम होता है। आपको नाम भी थोड़े टाइम में क्लियर होगा कि इसको कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों बोलते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा ऐसे याद रख लो कि ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट इंस्टेड ऑफ मेजर माइनर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू फोसाई, एंड दूसरा वाला क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है देखो, अब ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बट लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये है लाइन बीबी डैश। नाउ योर क्वेश्चन इज, ये बीबी डैश क्या है, ये डायग्राम में बीबी डैश क्या है? अगर आपको याद हो, इफ यू रिकॉल एलिप्स, तो एलिप्स इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, यस और नो? एलिप्स मीट्स द वाई एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, व्हाट हैपेंस टू हाइपरबोला? ये अज्यूमिंग हाइपरबोला की इक्वेशन थी। तो मुझे एक बार सोच के बताओ, इसको वाई एक्सिस से सॉल्व करो। तो वाई एक्सिस से सॉल्व करो मतलब एक्स को जीरो पुट करो। तो x को 0 पुट करोगे तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये आ रहा है सॉल्यूशन, ये आ रहा है विच इज इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बेसिकली हाइपरबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द, हाइपरबोला डज नॉट इंटरसेक्ट द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस को कट नहीं करता है, बट सिंस इट इज स्टिल अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इसको अपन को नाम देना है। और जस्ट नाम देने के लिए, और जो स्मॉल बी है उसको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंस देने के लिए, क्या मैं इसमें फोर्सिबली एक पॉइंट बी लिख सकता हूं क्या? मेरी मर्जी, ऐसे 0, b करके एक फोर्सिबली पॉइंट लिख सकता हूं क्या? ओके, लिख लो यार, लिख लो, ठीक है, मतलब कोई बुराई थोड़ी है। बस ये कि अपन को इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लेंथ असाइन कर रहा हूं। बी का सिग्निफिकेंस जो है और बी का जो काम है वो इसलिए असाइन करने के लिए अपन ने दो पॉइंट मार्क करे, बी एंड बी डैश, तो विच वॉज वाई एक्सिस ओनली। बट इसको मैं ऐसे ही नाम देने के लिए, प्रॉपरली टैग करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, लाइन बीबी डैश, ओके, दिस लाइन बीबी डैश मतलब वाई एक्सिस। उसके बाद इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू जीरो, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 2b। ठीक है, इवन दो इट डज नॉट इंटरसेक्ट बट आई स्टिल कैन कॉल इट लेंथ और इक्वेशन बोल सकता हूँ मैं उसकी। फिर तुम्हें फील आ रहा है क्या, इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ? निकाल के बताओ कि याद आ गया, ओरिजिन सेंटर कैसे होगा, पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल लो। सेंटर निकालने का मेथड हमें पता ही है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो खाली ये बचेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो खाली ये बचेगा। तो इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट साफ साफ दिख रहा है, x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो इसमें एक छोटा सा चेंज है जो मैं बिल्कुल अभी का भी मेंशन कर देना चाहता हूँ, सेंटर इसका भी ओरिजिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरबोला आल्सो हैज अ सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ फोकस। बट इसमें ध्यान से देखना, इसका डायमीटर थोड़ा सा वियर्ड लुकिंग है आई नो, बट इसका डायमीटर ऐसा दिखेगा बच्चों, डायमीटर ऑफ हाइपरबोला इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ज्यादा भाग गया, डायमीटर ऑफ हाइपरबोला इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ये होता है डायमीटर। चलेगा क्या? वैसे डायग्राम बहुत ही गंदा बनाया मैंने, सिमेट्रिक होना चाहिए ना, वैसा टाइप का बोल रहा हूँ मैं। अरे उसको थोड़ा नीचे ले लेंगे तो हो जाए, लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला सेकंड लाइन, ये लेफ्ट साइड वाला कर्वेचर थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसा फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। बट इज इट टेंजेंट टू और इट पासेस थ्रू? सर मेरा भी सेम डाउट। No, it is not tangent. Just take any two points on the curve और उनको connect करो origin से pass होता हुआ ऐसा। Okay. और ये हमेशा center से ही pass करेगा ना? हाँ, diameter मतलब passing through center ही होगा। तो does it look like proper tangent जैसा दिख रहा है क्या? तो फिर मेरी गलती। मैंने diagram नहीं बनाया। नहीं, फिर वो मेरी गलती। Tangent नहीं है, proper intersect करेगा। Chord यार, basically ये chord जो सेंटर से पास हो जाए तो वो डायमीटर हो जाता है। तो इसका डायमीटर सर उसको ज्यादा एक्सटेंड कर दो ना तो नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गया।
तो ऐसी सच लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। तो उसमें भी डायमीटर यही होता था बच्चों, याद करो, सेंटर से पास होने वाला। बट इसमें डायमीटर ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा वियर्ड लुकिंग है, बट आई नो ये है, दिस इज इट। ऑलराइट, उसके बाद ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस नहीं बे, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस a, नहीं उल्टा बोल दिए, a और a डैश इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। टेंजेंट एट वर्टेक्स आर लाइंस व्हिच आर सिंपली x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रीटी मच ऑब्वियस। नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला लेटस रेक्टम लेंथ। तो इसमें भी कितने लेटस रेक्टम है बच्चों, दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स, तो दो लेटस रेक्टम होते हैं। लेटस रेक्टम तुम्हें फिर से पता है, अगर S से वर्टिकल लाइन बनाओ, S से वर्टिकल लाइन बनाओ तो क्या मिल जाएगा, S से वर्टिकल लाइन बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसा ये और ये, ये दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, लेटस रेक्टम। तो इन दोनों से पास होने वाला लेटस रेक्टम हो गया। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन गेस कर सकते हो, वर्टिकल लाइंस थ्रू ए कॉमा जीरो, सबको पता पड़ गया कि इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अब समझो कि बच्चों लग रहा है कि यार सर रिपीटेशन ही हो रहा है, तो आप लिख दो, मतलब एक्सट्रीमिटीज क्या थी, इलिप्स याद है क्या, चाहो तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, बट वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, आप वही चीज वापस से करोगे तो मतलब मेरे को भी इतना मतलब बोर करने का मन नहीं करता। कि ये एक्सट्रीमिटी सेम एज इलिप्स, और लेंथ भी क्या होती है बच्चों, सेम एज इलिप्स वाला, लेंथ इज 2b² / a। तो अब अपन को इलिप्स में याद ही था, और इलिप्स में सब कुछ अच्छे से डिराइव करा था, तो इसमें बस मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेंशन कर रहा हूँ। ए ए डैश विल ऑल्सो बी ए डायमीटर, आशुतोष यस ऑब्वियसली, ए ए डैश इज ऑल्सो टेक्निकली अ डायमीटर, a dash is also technically a diameter, why not? So, हाँ, जो diameter है वो hyperbola पे कौन से points पे cut कर रहा है? किन्हीं भी दो, ऐसे सोच, एक chord ले, और अगर वो center से pass हो रहा है, तो उसको diameter बोल दें, तो it can intersect at any two points. हाँ, okay sir. Center से pass होने वाला line is basically a diameter of hyperbola, ऐसा type का हो रहा है, kind of, okay? सो इन्फॉर्मेशन सब कुछ रटी हुई है। नेक्स्ट अगर तुमसे बोलूं कि फोकल रेडियस और फोकल लेंथ और वो सब बताओ, तो समझो कि समझते हो किस किस को फोकल रेडियस बोलते हैं, पीएस एंड पीएस डैश, पीएस एंड पीएस डैश आर कॉल्ड फोकल रेडियस। फोकल ट्राइंगल पीएसएस डैश, समझाओ कि समझते हो, पीएसएस डैश फोकल ट्राइंगल होता है, याद आ रहा है बच्चों को, सब सेम है बच्चों, एवरीथिंग इज सेम, बस डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंस है, डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम। इसमें फोकल ट्रायंगल दिखा दोगे एक बार से? ये रहा, अगर बनाने ही है तो PSS डैश, PSS डैश ये वाला है ना, PSS डैश इज द फोकल ट्रायंगल, तो ये भी लिख ही देता हूँ चलो। तो वही फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ, फोकल ट्रायंगल सब सेम है, सब सेम है। हमारे बीच की बात है ना, यार ये लेंथ है तो इसको पॉजिटिव, मतलब ये वैसे ये ऑफिशियल थ्योरी थोड़ी है, तो हमारे बीच की बात है, तो मैंने बताया आपको ये कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, बट अगर वो लेंथ है तो समझ लो ना कि मॉड ले लो यार, बट रिजल्ट तुम्हें सारे याद है, मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसको एक काम करो, स्टार्टिंग से छापो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना, और किसी को कुछ डाउट आए तो पूछ लो, बट इसमें क्या ही डाउट आएगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। सर हाइपरबोला पे भी अगर एक फोकस के लिए रिजल्ट आएगा तो दूसरे के लिए माइनस ही डाल सकते? हाँ बिल्कुल, okay. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें, अभी मैं पढ़ाने तो दो, तुम्हें लगेगा सर आप इलिप्स ही पढ़ा रहे, क्योंकि हाइपरबोला इज अ कार्बन कॉपी ऑफ इलिप्स। क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो आप मैथमेटिकली बोल सकते हो। In fact, you can prove this for any 2 degree curve.
एक जनरल 2 डिग्री कर लो ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर फलाना ढिमका, और एक लाइन ले लो y cos x + c। तो जब भी मैं लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करूंगा हमेशा मुझे क्वाड्रेटिक ही मिलेगा, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। y की जगह mx + c रखो, आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक ओनली। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? दो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक लाइन एक 2 डिग्री कर्व को दो इंटरसेक्शन पॉइंट ही दे सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो वो डायग्राम इसमें थोड़ा सा सटल चीज है डायग्राम बनाना, तो उसके लिए वेट करो, मैं सब समझाते जा रहा हूँ एक एक, थोड़ा बस सुनते जाओ अभी फिलहाल। हाँ, तो जो डायमीटर है वो हाइपरबोला के एक ही पार्ट को एक ही बार कट करेगा, दो बार नहीं करेगा। हाँ, सेंटर से पास होना है तो एक पॉइंट पे ऐसे ये और ये, इसको एक्सटेंड करना है तो ऐसा दिखेगा। जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ऐसा कैसा आगे एक्सटेंड करोगे, तो वो ऐसा दिखेगा, ये जाता जाएगा कहीं और ये ऐसा जाता जाएगा, दे विल नेवर मीट अगेन, दैट्स माय आंसर टू यू। ओके सर। हाँ, वो थोड़ी देर वेट करो, बेसिकली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एसिम्प्टोट्स। अगर एसिम्प्टोट्स चमकता है तो ये बहुत इजीली चमकता है, ठीक है? तो ये डायग्राम अच्छे से बना लो, बट अगर नहीं भी याद रहता है तो तुम्हें इलिप्स याद है क्या? हाँ याद है, तो तुम्हें ये भी याद। बट ये कि थोड़े चेंजेस आ गए कि इस बार डायरेक्ट्रिक्स अंदर खिसक गई और फोकस थोड़ा बाहर आ गया, बस। एंड जो भी बच्चा अभी तक सोच रहा है कि आर दीज टू पैराबोलास, नो, दो मिनट यार, जस्ट गिव मी वन मिनट, आफ्टर दैट आई स्क्रॉल डाउन। किसी को अगर कुछ कॉपी करना हो तो जस्ट होल्ड कर रहा हूं मैं, किसी को कुछ कॉपी करना हो तो जस्ट होल्ड फॉर इट। मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, हाँ, दीज आर टेक्निकली नॉट पैराबोलास, इवन दो इट लुक्स लाइक पैराबोला है दो, बट ये पैराबोला नहीं है। द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ कर्वेचर। पैराबोला और हाइपरबोला सेम दिखते हैं बट सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है, कर्वेचर का डिफरेंस है। वही अपन को पढ़ना है, वही मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, डोंट वरी, सब एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। हाँ बोलो। स्क्रॉल करने को बोल रहा। हाँ, मैं थोड़ा सा धीमे धीमे करता हूँ, बाकी बच्चों को भी कॉपी कर लेंगे आराम से। कोन कटिंग मतलब रुचिर क्या बोलना चाह रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस की हाउ एग्जैक्टली कोनिक सेक्शंस आर डिराइव्ड, वो बोलना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। वो तो पता ही है ना यार कि अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके कट करूंगा तो प्रॉपर सर्कल दिखता है ना, कि और डिटेल में चाह रहा है कि एग्जैक्टली व्हाई दिस गिव्स यू हाइपरबोला एंड ऐसा। खाली हाइपरबोला और पैराबोला। अच्छा, पैराबोला के लिए कोन कटिंग में ये करना पड़ता है, ऐसा वाला प्लेन पैरेलल टू स्लैंट हाइट। तो पैरेलल टू स्लैंट हाइट अगर प्लेन लूंगा तो ऐसा टाइप का दिखेगा। ओके सर। और हाइपरबोला के, हाइपरबोला में प्लेन वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी वर्टिकल, बट ऐसा वाला ले, डमरू ले ले ऐसा, ठीक है? अब इसको जस्ट इमेजिन करके अगर मैं वर्टिकल, इट डजंट हैव टू बी वर्टिकल, थोड़ा सा टिल्टेड भी चलेगा, बट इमेजिन कर इसको कट करूंगा तो उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा कि नहीं कुछ? यस सर, ऐसा टाइप का, तो वो हाइपरबोला जैसा दिखता है। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, चलो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। Can you show cutting of ellipse also? Ellipse के लिए शार्विल ऐसा होता है, if you have a cone, then ellipse को ऐसे plane से cut करो, neither parallel to the slant height nor horizontal, neither parallel to this surface, इसके parallel भी नहीं है और slant के भी parallel नहीं है, बीच में है। तो अगर बीच में रहेगा तो इसका cross section ऐसा elliptical आता है, elliptical आता है। Okay sir। हाँ, POSL निलय ऐसे आएगा, देख POSL के लिए जस्ट इमेजिन ये वाला कोन लो, ठीक है ना? और प्लेन देख, अब थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसा एपेक्स से पास होता हुआ प्लेन, वर्टिकली डाल दे काम कर,
तो कैन यू इमेजिन जब वर्टिकली डालूंगा तो मुझे बस यही दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, बीच में से काट दो एकदम वर्टिकली तो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा ना। ओके सर। बस तो पेयर ऑफ लाइंस। सर्कल के लिए नील पैरेलल टू दिस सरफेस के पैरेलल, इसके पैरेलल अगर कोन लूंगा तो ये भी सर्कुलर ही आएगा। बट ये सब नॉलेज यूजलेस है यार, कोई काम आता है क्या? बस वो देख के अच्छा आता है, फील आता है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे क्या एक लाइन? हाँ जस्ट जस्ट ये देख लो। वेद वेद रेक्टेंगुलर में डायमीटर्स डू नॉट इंटरसेक्टेड राइट एंगल, नो दैट इज नॉट क्वाइट राइट, उसको एजिम्प्टोट्स बोलते हैं। एंड देर इज नो सच टर्म एज एंगल बिटवीन टू ब्रांचेस, वो भी गलत है। द टर्म इज एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर बाद ही समझा पाऊंगा। सर आप एक बार वो e is equal to root 2 से रेक्टेंगल और हाइपरबोला आंसर का रिपीट कर सकते हो? मैंने कुछ सुन, मैंने बस इंफॉर्मेशन दिया, मैंने बोला इसको ये बोलते हैं, इसको तो अपन को डिटेल में पढ़ना है। अच्छा मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी इक्वेशन दिखती है तो ये हाइपरबोला है क्या? हाँ हाइपरबोला तो है, बट ये रेक्टेंगुलर भी कहलाता है ऐसा। वाई इज इट कॉल्ड रेक्टेंगुलर, इससे क्या होता है, वो सब अपन पढ़ेंगे ऑब्वियसली। बट मैं अभी फिलहाल बता दे कि ई रूट टू को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस स्पेशल केस है, बट वो काफी इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, बस अभी नाम दिया है आपको। हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से देखो एक काम करो, अपने इलिप्स के नोट्स खोल के देख लो, ये इलिप्स के नोट्स ही है, दीज आर इलिप्स के नोट्स ओनली, सेम टू सेम। सर ये इक्वल रूट टू ग्रेटर एंड लेस देन रूट टू, सर याद रखना है ना? याद रख लोगे तो कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट इक्वल टू रूट, बट एटलीस्ट इसमें से ये याद रखो कि एनीथिंग कैन बी ग्रेटर, ए बी बी से बड़ा हो सकता है, बी बी ए से बड़ा हो सकता है। ओके ठीक है ना, तो थोड़ा देर रुको, ये सब पूरा सम अप करके मैं क्लियर कर दूंगा कि किसमें क्या फर्क पड़ता है, इलिप्स में कैसे चेंजेस आते थे, इसमें कैसे चेंजेस आएंगे, फलाना फलाना। जय शंकर, बस पहली बात तो ऐसे बोल लो कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसको कुछ नाम तो देना था, और वो कॉन्जुगेट एक्सिस नाम इसलिए पड़ा है जो मैं थोड़ी देर रुको मैं समझाने वाला। इसमें फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वगैरह है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अरे वो तो अपन यूज ही नहीं करते यार, बट अगर मार्क करना है तो ये याद आ रहा है जेड एंड जेड डैश फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बट उसका कहां काम आता है यार, लाइक कौन सा वाला? ई वाला सर। हाँ बस ओके, हाँ लिख लो। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपने नहीं भी लिखा तो बी और गुड टू गो, because you already remember ellipse।
सर हल्का नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ चल कितने बच्चों को चलेगा कि ठीक है यार याद हो गया क्योंकि हमें इलिप्स में अच्छे से याद ही था। So what was the eighth point? Eighth point is just focal triangle and focal length. सब याद है? PS and PS dash को क्या बोलते थे? ये याद है? PS and PS dash are called. So like you just told that PS and PS dash are called focal length. सब same. Carbon copy. तो वो information ज़्यादा repeat हो रहा है अब. Okay. हाँ. इसके बाद अपने notes खोल के देखो मैंने क्या बताया था. Tangent vertex 6 point है ना? Tangent at vertex is 6 point यार. याद करो इसके बाद अपने नोट्स खोल के देखो एलिप्स के। तो मैं एलिप्स के नोट्स में से आपको पढ़ा रहा हूं एक तरीके से ये मान लो। कितने सिखाओगे क्या 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 सर अलग अलग टाइप ना जाएगी। हाँ। तो टाइप मतलब आप देखो एलिप्स में मैंने जैसे पढ़ाया था सेम टू सेम थिंग आई एम डूइंग ओवर हियर। आगे बढ़ू की और कॉपी करना है इसे बस एक सेकेंड। ओके ओके चलो तो टाइप मतलब कितने टाइप ऑफ हाइपरबोला होते हैं। तो जो अपन ने पैराबोला में भी पढ़ा था जो अपन ने इलिप्स में भी पढ़ा था और जो अपन हाइपरबोला में भी पढ़ने वाले बट अब थोड़ा ध्यान देना और कुछ भी डाउट आए तो बिल्कुल मस्त तरीके से पूछना। अपन ने अभी अभी एक हाइपरबोला पढ़ा है दिस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसको आई प्रिफर कॉलिंग मैं इसका नाम देता हूँ अपने आपस की बात है ये आई प्रिफर कॉलिंग दिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि आया था और क्या चल जाएगा क्या स्प्रॉलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। लेट्स से फोकस जो है इसके वो एक्स एक्सिस के अलोंग थे ऐसा एस एन एच डैश और ये डायरेक्ट्रिक्स थी ऐसी। तो इफ यू आर ओके विद दिस कि चलो अलोंग एक्स एक्सिस बोलना है तो बोल लो ठीक है बट स्टैंडर्ड के नाम पे अच्छा मैं लिख तो दूं पहले टाइप में भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड एलिप्स में कितने थे बच्चों स्टैंडर्ड एलिप्स में कितने थे दो याद आ रहा है। हाइपरबोला भी कि कितने स्टैंडर्ड होते हैं दो दो दो। इसका थोड़ा सा ध्यान देना बस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन ये वन की जगह माइनस वन रख दो या फिर कोई कोई फिर इसको ऐसे प्रिफर करता है लिखना कि सर फिर ऐसे लिखो दोनों साइड फिर माइनस वन मल्टीप्लाई करके लिखो। कोई कोई राइट साइड में प्लस वन एक्सपेक्ट करता है तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो दोनों इक्वेशन सेम है। अब ये वाला जो स्टैंडर्ड है सुनते जाओ मेरी बातें और कुछ भी डाउट आए तो पूछते जाना पहले सुनते जाओ। ये वाला जो है स्पेसिफिकली दिस मतलब एक था एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय एट इक्वल टू वन लिटरली इसमें आपने क्या किया वन की जगह माइनस वन लिख दिया लिटरली बाकी सब सेम पूरा डेटा सेम ए और बी सेम है वन की जगह माइनस वन लिख दिया। इस हाइपरबोला का नाम होता है प्रॉपरली इस हाइपरबोला को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ एच। इस हाइपरबोला का नाम होता है दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला एच मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं बेसिकली दिस टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सुनते जाओ काफी कुछ है इसमें बताने के लिए मेरे पास सुनते जाओ सब क्लियर होता जाएगा कि ये क्या है व्हाई दिस व्हाट दैट
ध्यान से देखो, पहले तो अपन को ये समझ आना चाहिए कि दूसरा वाला जो हाइपरबोला है उसका ओरिएंटेशन कोई बता सकता है क्या? गैस वर्क, जस्ट ऐसी गैस वाला आएगा अलोंग वाई एक्सिस. लेट जस्टिफाई ऑल्सो इफ यू डोंट फील जस्टिफाइड ऑलरेडी. कैसे जस्टिफिकेशन दू बताओ? क्या जस्टिफिकेशन इफ आई वर टू आस्क यू कि सर क्यों वाई अलोंग वाई एक्सिस, कौन बताएगा? सर वो फॉल्स एक्सिस से बोल सकता. सीधे बोल दो यार, 90 से अगर रोटेट करते, इफ यू वर टू रोटेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 90, तो 90 से रोटेट कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये कर लो सिंपली, एक्स की जगह माइनस वाई और वाई की जगह प्लस एक्स, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ऐसी टाइप की इक्वेशन ही देखेगी? हाँ या ना? एक्स की जगह वाई रखोगे तो वाई ले लो. हाँ जैसे भी बोलो यार, बस मैं बोल रहा हूँ कि 90 से रोटेट करने पे तुम्हारा क्या होता है. अगर 90 से रोटेट करोगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा और क्या, और इक्वेशन कैसे दिखेगी? यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा. नहीं तो एक काम करो, इक्वेशन से डायग्राम अपन जज करते हैं. इसकी भी एक्स और वाई एक्सिस क्या है? एक्स और वाई एक्सिस इसके भी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. बट इस बार ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला लाइन किसको ये वाला कर्व किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कर रहा है क्या? y को जीरो रखो, x के इमेजिनरी आ रहे हैं और x को जीरो y के रियल आ रहे हैं, तो सबको समझ आ रहा है y एक्सिस को कट करता है प्रॉपरली. तो इन शॉर्ट दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, सॉरी दिस इज अलोंग y एक्सिस. हाँ अंशु भी यस करेक्ट सही है. अब सबको समझ आ रहा है कि ठीक है समझ गया सर, मतलब या तो 90 रोटेशन सोच लो या फिर ऐसे इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लो यार कि x और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. बट इस बार ये y एक्सिस को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है, y एक्सिस को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो अलोंग y एक्सिस बोल दो. ठीक है, समझाने वाला हूँ और वही मैं बता रहा हूँ. देखो मैंने लिटरली किया क्या, ये सोच के बताओ, मैंने इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस डाला? यहाँ पे वन की जगह माइनस वन डाला और यू कैन से कि इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. तो जो आपके क्वेश्चन आ रहे ना वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा और डिटेल में घुसेंगे अपन, बट एक एक करके देखते जाओ बस. दिस इक्वेशन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर फर्क कैसे पड़ेगा, तो मैं इलिप्स से कंपेयर करके लिखूंगा, जस्ट वेट फॉर इट, थोड़ी देर रुको. ये होते हैं स्टैंडर्ड की, बता दूं अभी की बता ही दूं डायरेक्टली अभी, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यार. काफी बच्चों को फिर ऐसा मतलब फील होता रहता है कि यार बताए नहीं अभी तक, बताए नहीं अभी तक. इलिप्स याद करो, एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय वन, ये किसके अलोंग था बच्चों? x है ना, दिस वाज अलोंग x एक्सिस क्योंकि x के नीचे वाला ग्रेटर कांस्टेंट था. ये वाला किसके अलोंग होता था बच्चों? y y x. इसमें क्या होता है बच्चों, डिफरेंस हाइपरबोला में, अभी मैं खाली बता रहा हूँ, अपन इसको और एनालाइज करने वाले हैं, रुको. बट अभी कई बच्चों के मन में ऐसे डाउट आ रहा होगा, ये वाला किसके अलोंग है? x एक्सिस. ये अलोंग x एक्सिस है, ठीक है, सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाना. ये भी किसके अलोंग है? x-axis. x-axis, very good. तुम्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला कांस्टेंट बड़ा या फिर ये वाला कांस्टेंट छोटा, इट डज नॉट रियली चेंज एनीथिंग. ध्यान से देखो कैसे, तुम सोच के बताना, बस इतना बता दो ये किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है कि y एक्सिस को कट कर रहा है, थर्ड वाला? y को जीरो पुट करो तो x is plus minus 2, 0, तो साफ दिख रहा है कि रियल रूट्स आ रहे हैं, तो x एक्सिस इसको कट कर रहा है, तो लेट्स से अलोंग x एक्सिस. इस वाले को देखो, इसमें y को जीरो रखो, किसको कट कर रहा है? प्लस माइनस, हाँ x है ना, प्लस माइनस वन. डिपेंड करता है क्या ये, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है. तो रुको ना, सुनते तो जाओ, ये वाला इक्वेशन किसको कट कर रहा है? x एक्सिस की y एक्सिस? इमेजिनरी सर, इमेजिनरी मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, उससे हाइपरबोला में फर्क नहीं पड़ता. क्या फर्क पड़ेगा वो भी डिस्कस करूंगा, जस्ट पेशेंटली सुनते जाओ. अभी बस मैं थोड़ा बेसिक आइडिया आपको चेंज कर रहा हूँ. फिर अगर मैं ये करता हूँ y square by 4 minus x square by 1 equals to 1, तो ये वाला किसके along होगा? y axis. तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, a और b डिसाइडिंग फैक्टर है कि कोई और डिसाइडिंग फैक्टर है? sin sin of x square and y square, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है इस बार, उसके बेसिस पर इसका ओरिएंटेशन डिसाइड हो रहा है. ठीक है,
है ना, कैसे डिसाइड हो रहा है वो भी और डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल बेसिक आइडिया पकड़ लो कि इस बार ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा लिया था। देखो इसमें कुछ भी हो सकता था, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता था, बी ग्रेटर देन ए भी हो सकता था, इसी वाली इक्वेशन में दे आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर्स, तो वही तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर, एलिप्स में एक्स के नीचे बड़ा वाला आता था ना, अपना वाला एलिप्स में। हाँ हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। आप थोड़ा ऊपर दिखाएंगे क्या, उस थोड़े ऊपर का, ये वाला? नहीं नहीं सर, इसका जो लास्ट पॉइंट था। हाँ हाँ, फोकल लेंथ का। हाँ सर, नोटेशन बता रहा था, पीएसएन पीएच डैश का रोल फोकल लेंथ और पीएसएस डैश फोकल ट्रायंगल। चलो एनीवे, तो अभी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है, बट ये चीज देखो, ये चीज अगर डाउटफुल हो तो ये अच्छे से पूछो जो मैं बोलने वाला हूँ। इक्वेशंस ध्यान से देखो, मैंने एक्जेक्टली क्या बनाई है। वन की जगह मानवी, दो मिनट रुक जा मानवी, हाउ टू गेट इसेंट्रिसिटी के लिए मुझे कंपैरिजन सिखाना पड़ेगा, बट बिफोर कंपैरिजन में यहीं पे दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। लुक एट इक्वेशंस ऑफ एच एंड सी, एच एंड सी आर एसिम्प्टोटिक, ये काम की चीज लिख दी मैंने। पहले तो बताओ व्हाट डू आई मीन बाय एसिम्प्टोटिक, क्या होता है एसिम्प्टोटिक? पढ़ाते कुछ नहीं, बस पूछते रहते हो। व्हाट इज मीट नहीं करेंगे, तो अपन इसको पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि पता नहीं क्यों इसमें ऐसे लिखा है। हाँ लास्ट वाला, नहीं नहीं भाई सही लिखा है, ये दोनों एक्स एक्सिस कहलाऊंगी और ये दोनों वाई एक्सिस कहलाऊंगी। अच्छा यहाँ पे हगा था मैंने, सॉरी। हाँ हाँ, लास्ट वाला अलोंग वाई एक्सिस था, नेवर माइंड। तो मैं बोल रहा था एच एंड सी आर एसिम्प्टोटिक इन नेचर। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि दे नेवर इंटरसेक्ट, द थिंग इज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर बट इंटरसेक्टिंग एट इंफिनिटी। मतलब नेवर इंटरसेक्ट में तो ये दो कर्व भी है, ये दो कर्व कैसे बताओ बच्चों? ये दोनों कर्व भी नॉन इंटरसेक्टिंग है, बट कैन यू कॉल देम एसिम्प्टोटिक? नहीं, एसिम्प्टोटिक का मतलब समझ रहे हो? देखो ऐसा होता है, इसका डायग्राम सॉर्ट ऑफ ऐसा बनता है, एच और सी की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एवरी टू हाइपरबोला सर एच एंड सी। एच एंड सी में लिटरली क्या है, ये ए और बी तो सेम है, बस वन की जगह माइनस वन रखा है। तो ये अगर मेरा हाइपरबोला बच्चों ऐसा बन रहा है, इफ दिस इज माई एच, बहुत ज्यादा घटिया बना दिया, इफ दिस इज माई एच, अगर हाइपरबोला एच ऐसा बन रहा है तो मेरा हाइपरबोला सी कैसा बनेगा? अगर ये एच है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसा। थोड़ा फील नहीं आया बट ठीक है, ऐसा बनता है। जैसे जैसे x और y इंफिनिटी की तरफ टेंड करते जाते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता जाते हैं, बट इंटरसेक्ट करेंगे कभी? नो। दिस इज द डायग्राम ऑफ एच एंड सी ड्रॉन टुगेदर, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। एंड हाउ डू वी कम टू दिस कंक्लूजन बच्चों, हाउ डू वी कम टू दिस कंक्लूजन? ये देखो, ये मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया, तुम लिटरली इन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके देखना, तुम्हें बस देखना है सॉल्व कैसे होते हैं। तो हाउ डू यू सॉल्व टू इक्वेशंस? जस्ट लिटरली एड सब्ट्रैक्ट और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और क्या। तो मुझे एक बात बताओ, एच और सी की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये तो वन इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, हाँ या ना? बोलो सर, नॉट पॉसिबल। हाँ नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, वन इक्वल टू माइनस वन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक्स बिलोंग टू फाइ, एक्स बिलोंग टू फाइ। नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन इज If you try to solve these two, तो तुम solve करने के लिए क्या करोगे? Subtract कर दो। तो subtract करके बस ये बच रहा है 2 equals to 0, या फिर 1 equals to minus 1. तो contradiction का meaning क्या होता? This is a contradiction. Contradiction का meaning क्या होता? अभी meet नहीं करेंगे। नहीं, roots की बात कर रहा हूँ। If you are solving, solve करते 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 मस्त तुम्हें लग रहा है कुछ कुछ आंसर आने वाला है, बट तुम्हारा वेरिएबल ही कैंसिल हो गया and then you ended up with a contradiction. तो contradiction का meaning क्या होता है? नो रियल रूट्स, या फिर रूट मस्ट हैव बीन इंफिनिटी, इंफिनिटी रूट है इसलिए आपको कॉन्ट्रडिक्शन आया है। तो गड़बड़ क्या हो रही है बच्चों? जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ ना, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ ना, तो ये कैंसिलेशन गलत है। यू कैन नॉट कैंसिल इन्फिनिटी, ऐसा हो रहा है एक तरीके से। sir, तुम समझ, हाँ हाँ सर, पर हम जब यहाँ एक्स की जगह माइनस वाई और वाई की जगह एक्स डालेंगे तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ओरिएंटेशन के लिए समझा रहा था, सॉरी इफ आई एम नॉट वेरी आर्टिकुलेट विद दिस थिंग, मैं खाली ओरिएंटेशन के लिए समझा रहा था कि इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, सॉर्ट ऑफ कि 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा तब जाके ऐसी इक्वेशन दिखेगी, y पॉजिटिव और x नेगेटिव ऐसा टाइप का। बट आई डिड नॉट रोटेट बाय 90, नो, टू ऑब्टेन कॉन्जुगेट हाइपरबोला आई डिड नॉट रोटेट इट बाय 90 डिग्री, एज इट मस्ट बी प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो
कौन सा ब्लैक वाला वाइड है कि ग्रीन वाला, कि दोनों सेम टाइप के शेप हैं, ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जितना ज्यादा वाइड होगा सी वाला उतना ज्यादा पतला होगा. तो नो आई डिड नॉट रोटेट बाय 90 डिग्री, दैट इज नॉट हाउ यू ऑब्टेन कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट के लिए वन की जगह माइनस वन रख दो बस. ओके बस लिटरली है ना. तो एनीवे आई वाज एक्सप्लेनिंग, देखो बच्चों एक दो चीजें होती है सॉल्व करते वक्त. तुम सॉल्व कर रहे हो तो आइदर यू कैन गेट प्रॉपर रियल वैल्यूज, रियल सोल्यूशन ही आ गया एक्स के, है ना. एक हो सकता है इमेजिनरी सोल्यूशन आ गया कि क्वाड्रेटिक बना या फिर कुछ इक्वेशन बना बट उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं. और एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन. रियल सोल्यूशन का मतलब होता है रियल इंटरसेक्शन पॉइंट. इमेजिनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो इंटरसेक्शन पॉइंट एट ऑल. मतलब एक कर वैसा है तो दूसरा कहीं और से जा रहा होगा, दूर दूर भाग के चले गए होंगे, नो इंटरसेक्शन पॉइंट एट ऑल. बट कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कि रूट इंफिनिटी होगा, दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी. इसका मतलब ये हो रहा होगा, तुमने इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल कर दिया होगा, दैट इज व्हाई. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, हां बोलो. सो बट एनी इक्वेशंस इक्वेशन में जब ऐसे आते थे तब तो हम सीधा नॉन रियल रूट्स कह देते थे. तो मैंने कब बोला इसके रियल रूट्स हैं? एक बार फिर से रुको, फिर से मैं रिपीट करता हूं. वेयर डिड आई राइट दैट आफ्टर सॉल्विंग दीस टू वी आर गेटिंग रियल या नॉन रियल रूट्स? मैंने कहीं पे भी रूट्स के बारे में मेंशन किया है? मैंने क्या बोला? एच और सी एसिम्प्टोटिक है. एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? वेयर डू द इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी. और वो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों का अगर सॉल्व करोगे तो यू आर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हाउ कैन यू गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन? बस मुझे ये बता दो. यू आर सॉल्विंग टू इक्वेशंस, यू आर सॉल्विंग टू इक्वेशंस, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ सकता है? बस मैं ये पूछ रहा हूँ. और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ भी रहा है, हाँ, व्हेन यू कैंसिल टर्म्स व्हिच आर नॉट कैंसिलेबल, हाँ या ना? व्हेन यू कैंसिल टर्म्स व्हिच आर नॉट कैंसिलेबल, सीधी बात, तुम दोनों साइड से इंफिनिटी अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहीं पे आपने हगाए. दैट इज हाउ इंफिनिटी प्लस वन और इंफिनिटी माइनस वन, आपका इंफिनिटी कैंसिल कर रहे हो इसलिए कहीं पे कचरा कर रहे हो. बात समझ रहे हो मेरी? सो यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन का कोई रीजन ही नहीं है. अगर कट नहीं कर रहे हैं तो इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए, कट कर रहे हैं तो रियल रूट्स आने चाहिए. कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ जाएगा साला? तो कॉन्ट्राडिक्शन का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ आपको मैं. आपने करा होगा, मैं मान ही नहीं सकता. कई बार ऐसे सॉल्व करते करते यू आर एक्सपेक्टिंग क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है और सडनली आपका ऐसा क्वाड्रेटिक बन रहा है और एम स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, एक ही रूट आया. तो आपको याद है ऐसे कई बार ऐसा भी होता था कि आपका जो एक्सपेक्टेड था उसका डिग्री कम हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है? याद दिलाओ, कुछ याद है ऐसा? ऐसा किया है क्वाड्रेटिक में. हाँ, क्वाड्रेटिक में भी एक एक रूट इन्फिनिटी होगा, ऐसा होता है. स्ट्रेट लाइन में भी क्या होगा कि सॉल्व करते करते हाउ टू नॉट लूज अ सॉल्यूशन, ऐसा. हाउ टू नॉट लूज अ सॉल्यूशन, ऐसा. ओके, हाँ, लॉस ऑफ रूट. जैसे ये बहुत फेमस एग्जांपल है, सब डिस्कस करते ही है. मुझे एक बात बताओ, एक लाइन है जिसका स्लोप है वन, ठीक है, इससे 45 डिग्री बनाने वाली लाइन का स्लोप निकालो, 45 डिग्री विद दिस उसका स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस इज 1. फिर आप बोलोगे कि m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m इज 1 और माइनस 1. तो पहले इक्वेशन सॉल्व करो m माइनस 1 इज 1 प्लस m, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करो m माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस m. ये देखो यहाँ पे कचरा आया, 1 इक्वल्स टू माइनस 1. क्या मीनिंग निकलता था इसका, याद दिलाओ? m was infinity, याद आ रहा है? Not defined. Yes, sir. वो आप geometrically justify कर सकते हो कि अरे 45 मतलब एक slope बने तो ये already 45 पे, इससे भी 45 बनाने वाली दो lines होंगी, ये और ये, तो एक slope infinity आ रहा है. तो infinity ऐसा देके जाता है आपको mathematically, और यहाँ से एक slope zero आ रहा है. समझ पा रहे हो मेरी बातें? If you are getting a contradiction, that means one of the roots must have been infinity. ये बोलना चाह रहा हूँ बस. तो अब चलो, I've lingered for a very longer period on this. बस crux of discussion क्या है? नहीं भी समझा तो जाने दो. Crux of discussion क्या है? एच ओ सी के डायग्राम कैसे बनते हैं? एच ओ सी के डायग्राम कैसे बनते हैं? Asymptotic. हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना रह जाए. आई डिड नॉट रोटेट द एक्सिस बाय 90 डिग्री, रिप्लेस 1 बाय माइनस 1 टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द हाइपरबोला. तो मुझे एक बार देख के बताओ, इसका कॉन्जुगेट कौन सा है? ये है कि ये है कि ये है? इसका कॉन्जुगेट कौन सा है? थर्ड वाले का लास्ट वर्ड पक्का? पक्का? यस सर, यस सर. इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट कौन है? इसके ऊपर ये है. ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यस सर. यस सर. चलो, तो ये हो गया ऐसे. बट अभी आई एम नॉट डन एक्सप्लेनिंग, मेरे को थोड़ा सा और बताना है. इसके बाद वाली चीजें बड़ी ऑब्वियस है आपके लिए. देखो नोट्स खोल के देखो अपने लिप्स वाले, ये समझाओ कि समझते हो.
शिफ्टेड, और शिफ्टेड में याद आ रहा है कुछ, एक्स वाई टर्म नहीं हो सकता, यस सर, सेंटर बदल जाएगा बस, बस। तो अगर सेंटर एक्स वन वाई वन है तो गेस वर्क कर सकते हो, चल जाएगा क्या इतना गेस वर्क की समझाऊं कि यार लग रहा है कि इलिप्स में पढ़ाया था सर आपने, ये क्या वापस बता रहे, सेंटर मतलब कोई अगर ऐसे पूछता है कि x plus 3 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, तो इसमें दो ही चीजें चेक करनी है, सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जीरो रख दो, माइनस 3.5, तो x इज माइनस 3 y इज 5 यहाँ पे कहीं होगा, और अपेरेंटली इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइप होगा, जो मैं और कंपेरिजन में क्लियर करने वाला हूँ, डोंट यू वरी, कंपेरिजन में और क्लियर हो जाएगा ये सब 100%, बस अभी फिलहाल बोल रहा हूँ कि दिस इज द वे यू प्लॉटेड, तो शिफ्टेड भी बहुत आसान है, शिफ्टेड कभी भी अब कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा, शिफ्टेड इज एज गुड एज स्टैंडर्ड क्योंकि उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है, तो हम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, हम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो शिफ्टेड में आई हैव नथिंग मोर टू एड। फिर अपन आ जाते हैं जनरल में, तो जनरल भी ध्यान से देखो, जनरल जो मैंने एलिप्स में पढ़ाया था वही वापस पढ़ा रहा हूँ, यू शुड बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद दिस थिंग, यू शुड बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद दिस थिंग। जनरल क्या होता है बच्चों, पहले मैं कंडीशंस लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस टू रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, कंडीशंस क्या होती थी बच्चों, सो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो and x square less than, x square greater than a, greater than a b, x square less than a b होता था ellipse के लिए, इसके लिए होता है greater than a b, तो ये conditions काफी हैं, but अगर आपको याद हो तो we literally did not care about the general equation, काम का नहीं है अपने, अपन इसको अलग तरीके से analyze करते हैं और अलग तरीके से पढ़ते हैं, चलो ध्यान से देखो, सुनते जाना सब clear हो जाएगा, look at this, ये था तुम्हारा hyperbola, है ना, उस पर कुछ करके आपने लिखा तो था, चलो देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं, ये लो एक P पॉइंट है x comma y which is the locus of hyperbola, तो यहां से ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस पे 90 ड्रॉप करो, अच्छा वैसे कितने बच्चों को चलेगा कॉन्जुगेट एक्सिस, नाउ इट मेक सेंस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो एक्सिस है वो इसका, समझ रहे हो ना, इसका जो ये वाला एक्सिस था वो कॉन्जुगेट वाले का मेन एक्सिस है वो, तो हेंस द नेम कॉन्जुगेट एक्सिस, बस और कुछ नहीं है, बाकी नाम है, जैसे मेजर माइनर होते थे वैसे ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जनरल हाइपरबोला को अपन स्टडी कर रहे हैं, तो देखो कैसे, अच्छे से सुनते जाना, यहां से 90 ड्रॉप करो, ठीक है सर, वो थर्ड वाला पॉइंट दिखा दो ना प्लीज, मैं वैसे कॉपी करने के लिए पूरा टाइम दूंगा, आगे बढ़ो चलेगा, मैं पूरा टाइम दूंगा, बट एक बार ऐसे सम अप कर लेते हैं थ्योरी, अच्छा लगता है, फिर कितने बच्चों को चलेगा x स्क्वायर, तो x मतलब ये है कि नहीं बताओ, ये डिस्टेंस ऐसे लिख सकता हूं, इफ p इज लोकस ऑफ हाइपरबोला, तो x स्क्वायर में ये लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज p m डैश का स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आई होप यू आर ओके विद दिस थिंग, सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है 2a, तो सेमी ट्रांसिस ए, वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी एन स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू वन, सेम टू सेम थिंग आई डिड इन एलिप्स, तो यू शुड बी एकदम 100% कंफर्टेबल इन दिस थिंग, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अब कितने बच्चों को याद आ रहा है कि दिस थिंग इज एप्लीकेबल टू एनी हाइपरबोला, बताओ याद दिलाओ, कुछ ऐसा किया था मैंने जस्टिफाई किया, ये तो लेंथ का रिलेशन है, ये लेंथ का स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट स्क्वायर माइनस ये लेंथ का स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट स्क्वायर वन है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट और रोटेट भी कर दूं तो लेंथ के रिलेशन चेंज थोड़ी होते हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये वाले रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर एनी हाइपरबोला, दिस इज ट्रू फॉर एनी हाइपरबोला जनरल ऑल्सो, सर सॉरी सर बट आवाज आपका कट गया था, तो आप ये पॉइंट वापस समझा लेंगे, सेमी ट्रांसफर देख PM dash square, x square by a square होता है ना, तो x को मैं PM dash लिख सकता हूँ, हाँ, y square by b square होता है दूसरा term, तो y square को PN square upon b square को semi conjugate का square लिख सकता हूँ, so that standard equation can also be written like this, but if you recall, semi trans का मतलब क्या होता है, जैसे transverse axis होता है 2a, तो semi transverse क्या होगा, semi मतलब आधा, half a,
यस एंड इलिप्स में बताया था मैंने, अगर याद होगा यार इलिप्स में मैंने यही सेम चीज सेमी मेजर सेमी माइनर, तो वही चीज फिर से बढ़ा रहा हूँ यार, बहुत ऑब्वियस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज लाइक ट्रू फॉर एनी हाइपरबोला, द लेंथ का रिलेशंस डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सिस। तो मैं अगर इसको शिफ्ट और रोटेट कर दूं तो भी ये हाइपरबोला जनरल होगा, बट ये रिलेशन ट्रू होगा। और बट ये डिफाइन करना जरूरी कि टेक्निकली आप पीएम डैश और पीएन को क्या बोल रहे हो, व्हाट इज पीएम डैश, याद आ रहा है कुछ? पीएम डैश है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ योर लोकल पॉइंट पी फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, वेरी गुड, from conjugate axis. और PN क्या हो जाएगा? Perpendicular distance of point P, which is the locus of hyperbola, from transverse axis. चलेगा? तो देखो मैं इसको भी crux of discussion यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ अपने ellipse के notes देखो, मैंने यही पढ़ाया था। I did the exact same thing in ellipse also. Ellipse में याद करो, अगर consider this, अगर मान लो transverse axis ऐसा given है ax plus by plus c equals to 0, तो conjugate axis कैसा होगा बच्चों? bx minus ay plus c dash, perpendicular and with a different constant term obviously, ठीक है? तो equation of hyperbola कैसे format में होगी बस ये बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है बच्चों? perpendicular distance from conjugate axis, तो perpendicular distance locus of point x comma y, तो x comma y का perpendicular distance from conjugate axis का square upon नीचे कुछ constant का square होगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला ax plus by plus c upon root over a square plus b square का whole square by b square equals to, ऐसा इक्वेशन बन रहा होगा आपका, जिसको याद है अपन ने ऐसे भी लिख दिया था कि यार ऐसे भी लिख सकते हो, bx minus ay plus c dash का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म्स को दोनों को मिक्स करके आप ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, और ये रूट और ये कैपिटल बी को मिला के आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो। देखो एलिप्स में सेम टू सेम किया था, और क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज, याद आ रहा है, एल वन स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस एल टू स्क्वायर बाय के टू स्क्वायर इज 1, वेयर एल वन एंड एल टू परपेंडिकुलर। तो एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज अ हाइपरबोला, ऐसा दिखेगा, दो परपेंडिकुलर लाइंस नीचे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और डिफरेंस ऐसा, this is what your perpendicular line, sir, this is what your hyperbola will look like. तो बच्चों ऐसे देखो, इसमें कितने बच्चों को ये याद आ रहा है, इसमें ये जो भी हो रहा है पॉजिटिव वाला टर्म ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाला टर्म ये दिख रहा है अपेरेंटली। तो मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव टर्म जो है पहले होता था कैपिटल ए और कैपिटल बी, इस बार पॉजिटिव नेगेटिव आता है डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो पॉजिटिव टर्म किसकी इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब अगर ये वाला इक्वेशन है तो L1 किसका इक्वेशन होगा? L1 कैन यू गेस किसका इक्वेशन होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस का। और L2 किसका इक्वेशन होगा? ट्रांसवर्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये था ठीक है, इस बार A बड़ा हो चाहे B बड़ा हो, तुम तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव कौन सा है? पॉजिटिव कौन सा है? ये वाला ना। तो x इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होगा? पॉजिटिव वाले के ऊपर कॉन्जुगेट होता है और नेगेटिव वाले के ऊपर चलेगा। तो y को जीरो मतलब x एक्सिस इज ट्रांसवर्स, x को जीरो मतलब y एक्सिस इज कॉन्जुगेट, ऐसे ठीक है। और ये भी फील नहीं आ रहा है तो अपन बस कंपैरिजन भी सीख ही लेते हैं, ठीक है? तो मैं कंपैरिजन भी बता देता हूँ बच्चों, दो मिनट का ही है, आपको काफी हद तक आइडिया लग ही गया है। तो ये फिर से वही चीज कर रहे हैं जो इलिप्स में करा था, कंपेरिजन शुड क्लैरिफाई एवरीथिंग इवन इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम हियर। कंपैरिजन कैसे करते हैं बच्चों? आवाज कट हो रही है, पता नहीं यार, हो सकता है नेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा हो यार। ठीक है, हो सकता है अगर फ्लक्चुएट हो रहा हो तो हो सकता है। कंपैरिजन देखो तुम खुद ही गैस वर्क कर लोगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड लेट्स से इसेंट्रिसिटी लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ऑफ लेट्स से दिस एलिप्स y square by 4 minus x square by 8 equals to 1. तो eccentricity, latus rectum, directrix, focus वगैरह वगैरह करना है। तो बच्चों इसमें comparison कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। We compare with standard hyperbola. We compare with standard hyperbola x square by a square minus capital y square by b square equals to 1. इससे हम लोग compare करते हैं। अपन उसमें भी स्टैंडर्ड एलिप्स से कंपेयर करते थे, इसमें भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला से कंपेयर करते हैं। तो देखो ये रहे अपने स्टेप्स, कंपैरिजन स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले
बिफोर यू स्टार्ट कंपेरिजन, बिफोर कंपेरिजन हमें दो तीन चीजें इंश्योर करनी पड़ती थी. बिफोर कंपेरिजन फर्स्ट ब्रिंग योर इक्वेशन, ब्रिंग द इक्वेशन इन विच फॉर्म बच्चों याद आ रहा है? ऐसे फॉर्मेट नॉर्मल. वही तो ये इतना रिपीट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी बार बार वही चीजें पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ब्रिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म दिस वेर एल वन एल टू मस्ट बी नेसेसरीली परपेंडिकुलर होना जरूरी है. उसके बाद क्या करते थे बच्चों? नॉर्मलाइज लाइन्स एल वन एंड एल टू. और उसके बाद क्या करते थे? कंपेयर. तो अब कंपेरिजन ध्यान से देखो कैसे करना है. कंपेयर सच दैट, सुन लो बस ये हो गया. सच दैट जो पॉजिटिव टर्म है वो तुम्हारा कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर बन जाएगा, और जो नेगेटिव टर्म है वो कैपिटल वाई स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर हो जाएगा. क्या आर यू गाइस ओके विद दिस थिंग? यस सर. पहले कौन करता था डिसाइड कौन ग्रेटर है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? इस बार कौन डिसाइड करता है? कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है? सीधी बात, खत्म कहानी. दिस इज योर कंपैरिजन. तो मैं एग्जांपल भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर पूरा एक साथ कॉपी कर लेना, काफी ज्यादा मैंने लिख दिया. तो ये जो एग्जांपल था ना बच्चों, वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एट इक्वल टू वन. तो मैंने बोला कौन सा पॉजिटिव है? भैया ये दिख रहा है, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख दो. कौन सा नेगेटिव? भैया ये वाला दिख रहा है, तो इसको लिख दो. तो कंपेरिजन से क्या मिल रहा है? कैपिटल ए इज टू, कैपिटल बी इज टू रूट टू, कैपिटल एक्स इज वाई, कैपिटल वाई इज स्मॉल एक्स. अब उसने पूछा है इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी का एक ही फॉर्मूला है विच इज रूट ओवर वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चों? वन प्लस टू. ओके, तो रूट थ्री इसकी इसेंट्रिसिटी है. उसने पूछा है लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ क्या होता है? टू बी स्क्वायर बाय ए. तो वॉट इज टू बी स्क्वायर? एट, आई थिंक एट आया. हाँ, उसके बाद उसने पूछा भैया डायरेक्ट्रिक्स निकालो. हाँ ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स भी आती है. डायरेक्ट्रिक्स क्या याद है बच्चों सबको? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. तो कैपिटल एक्स क्या बन जाएगा? स्मॉल वाई प्लस माइनस ए. ए इज टू और इसेंट्रिसिटी इज रूट थ्री. तो ये चलेगा. हॉरिजॉन्टल लाइन्स आनी चाहिए थी ना बच्चों, क्योंकि टेक्निकली इसका ओरिएंटेशन, जो यू अंडरस्टैंड, इसका ओरिएंटेशन था अलोंग वाई अलोंग वाई. तो इसके डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने चाहिए थे. आया, तो जो भी आना चाहिए वो आ जाएगा. और इसके फोकस कैसे निकालते हैं? कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो. तो कैपिटल एक्स बोले तो स्मॉल वाई इस प्लस माइनस टू रूट थ्री और ये जीरो. तो देखो फोकस किस पे आने चाहिए थे? वाई एक्सिस पे, और आए अपने आप. ठीक है, तो ये हो गया क्रक्स ऑफ डिस्कशन. कुछ भी नहीं था इसमें सोचने लायक, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस ये रहा. तो मैं पूरा स्टार्टिंग से एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने पूरा का पूरा आपको कॉपी करने के लिए छोड़ा हुआ है. तो इसको फटफट लिखते जाओ और कुछ भी डाउट आए तो पूछते जाओ. फटफट लिखते जाओ और इसको कुछ भी डाउट आए तो पूछते जाओ. कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना एक बार. जस्ट क्विक ग्लैंस थ्रू एंड कॉपी दिस. नहीं यार मानस, नॉट एग्जैक्टली दिस, वेरी क्लोज यू आर, बट एजिम्प्टोट्स थोड़ा सा अलग आते हैं. एजिम्प्टोट्स को अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी मैं एजिम्प्टोट्स नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं बस बेसिक बेसिक्स पढ़ाते जा रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स और कुछ नहीं. हाँ तरीनी, दो मिनट रुको, बस अच्छे से कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है. कॉपी सब कुछ कर लो, दिमाग में डाल लो, और कुछ भी डाउट आए तो अभी क्लियर कर लो. बट फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, ये इलिप्सी पढ़ रहे हैं, थोड़े से माइन्यूट चेंजेस है, बट आप नोट्स देखो इलिप्सी तो पढ़ा रहे हो सर वापस से. तो बेसिक बेसिक चेंजेस है, वही अपन देखते जा रहे हैं. मेजोरिटी चेंजेस आएंगे जब एजिम्प्टोट्स पढ़ेंगे. एजिम्प्टोट बहुत इंटरेस्टिंग भी, और एजिम्प्टोट्स उस पर क्वेश्चन भी बनते जेई में, तो वहां से अपना मेन हाइपरबोला चालू होगा. If we want to make an ellipse inside a hyperbola, then the eccentricity will be 1 by e or something else. इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही निकला मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं निकला. प्रजस, this has no meaning. Make an ellipse inside का मतलब क्या होता है? What do you mean by making an ellipse inside?
चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, like touching the vertices of conjugate and main hyperbola. अच्छा तो ellipse तो fix ही हो गया ना ellipse यार, अगर vertices of conjugate and main hyperbola, तो इसका मतलब है plus minus a comma zero and plus minus zero comma b से pass हो रहा है वो, तो इसकी equation ही मिल गई प्रजस, x square by a square plus y square by b square equals to one, प्रजस उसकी equation ही मिल गई. अगर किसी ने पूरा कॉपी पहले ही कर लिया था तो लुखे अगर बैठे हुए हो तो एक काम करो, ये छो जो राइट साइड में लिखे ना, ये छह मैंने वो लिखे हुए इक्वेशन, छो की इसेंट्रिसिटी बताओ मुझे, गिव मी द इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑल सिक्स, अगर किसी ने पूरा कॉपी कर लिया है तो. थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों, ये ऑल सिक्स की इसेंट्रिसिटी ढूंढ के बताओ, ओनली इसेंट्रिसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, सबका आ गया? हाँ सर. ठीक है, हाँ कॉपी करो कॉपी करो. फर्स्ट और सेकंड का क्या आया? सो वन बाय रूट टू, दोनों का सेम आया है ना, सॉरी रूट थ्री बाय टू, सॉरी सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो. अच्छा एक सेकंड, नहीं हुआ है कॉपी तो ठीक है. फर्स्ट और सेकंड का सेम इसेंट्रिसिटी आएगा, बट थर्ड और फोर्थ का? सर थर्ड का रूट फाइव बाय टू और फोर्थ का रूट फाइव. रूट फाइव बाय टू नहीं आएगा, वापस चेक कर. नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है सही है सही है सही है, मतलब हाँ रूट फाइव बाय टू एंड रूट फाइव करेक्ट. एंड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स का? सर फिफ्थ का वापस रूट फाइव बाय टू और सिक्स का रूट फाइव. हाँ बस सर आप एक बार कंपेरिजन वाला दिखा सकते हैं? हाँ एक सेकेंड, मैं नीचे थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे स्क्रॉल कर रहा हूँ. ये रहा, जनरल कॉपी कर लो अभी पहले, फिर इसके नीचे कंपैरिजन आ जाएगा, दो मिनट बस, वो भी हाई जाएगा. स्क्रॉल अप, क्या मिस हो गया दर्शन? एक सेकेंड स्क्रॉल अप कर रहा हूं, देख लो कुछ मिस हो रहा तो फटफट लिख लो. वैसे मैं पीडीएफ शेयर तो करूंगा ही, इतना चिंता क्यों करते हो, पीडीएफ शेयर तो करूंगा ही मैं सर. टाइम भी एक कीमती चीज है. हाँ सही बात है, मतलब बट व्हाट इज इट, व्हाट डज इट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ, टाइम कीमती चीज है, उसको तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, अपन टाइम वेस्ट करते ही नहीं अपनी क्लास में, फोकट के ज्ञान की बातें और वो सब अपन नहीं करते, पर अच्छे से बढ़िया कट टू कट पढ़ो. और पढ़ी स्क्रॉल डाउन है या जस्ट अ सेकंड सर, बस इतना बस, थोड़ा हल्का ऊपर स्क्रॉल करना, हल्का बस जनरल कॉपी कर लो. आज कुछ और भी पढ़ाएंगे किसी ने? नहीं नहीं नहीं, आज के लिए हो गया, मतलब अगर किसी का सच में पूरा कॉपी करके हो गया तो आराम से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मैं पीडीएफ तो वैसे भी शेयर करूंगा ही. नहीं और कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं. नहीं सर एक बार कंपैरिजन, एक डाउट. हाँ हाँ हाँ, मैं बस कॉपी कर लें तो बच्चों को आराम से, मैं थोड़ा सा जस्ट एक मिनट के बाद नीचे आई रहा हूँ. अच्छा वैसे तुम लोगों का कल का शेड्यूल क्या है? कल तुम्हारा क्या शेड्यूल है? अच्छा क्लास है तुम्हारा कल? सर आपका वेडनेसडे को डाउट लेक्चर लगा है शायद. एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, लगा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि, अरे वाह अगर लगा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं इस बार उससे लड़ लिया था कि भाई लगा ही देना इस बार. नहीं बट वेडनेसडे तुम्हारा स्लॉट क्या है, मतलब आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी द स्लॉट.
मतलब जैसे मेरे अच्छा 3 to 5:30 तो 3 to 5:30 मतलब फ्लैगशिप का भी उसी टाइम पे। चलो बस मेरे को यही बस कंफर्म करना था। तो जितना लेके आ सकते हो सॉल्व करके, आई वाज तो एक्सपेक्टिंग 1A 1B 2B 2C तो कर ही लिया होगा। ये चार एक्सरसाइज तो अपन तोड़ मरोड़ के खत्म कर ही देंगे। सर मुझे एक डाउट था सर, उसमें कुछ क्वेश्चन जो पोल पोलार के हैं उसे तो छोड़ देना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं है पोल पोलार, कोई काम नहीं। ओके सर, मैं अपडेट कर दूंगा कौन से जहाँ तक मुझे याद है उनका आंसर की मैच नहीं करता। ओके सर थैंक यू। बट करके आना वेडनेसडे 2B 2C तक, और 2A हो जाए तो और अच्छी बात है, 2A थोड़ा जहरीला एक्सरसाइज है। सर आई डोंट डाउट इन दैट एच एंड सी वाला हाइपरबोला। एच एंड सी एक काम कर, फिर बच्चों को कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वेट करके अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो ये जो आपने जनरल में लिखा है L1 स्क्वायर बाय T स्क्वायर, उसमें L1 इज इक्वल टू 0 नेसेसरीली कॉन्जुगेट एक्सेस का इक्वेशन होगा। हाँ ओके सर, जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसके ऊपर जो L1 इक्वल टू 0 होगा वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। जैसे इस वाले में देख, ये जो नीचे छोटा सा दिख रहा है ना ये वाला, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस में पहले ही बता सकता था। इसका कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अच्छा ओके है ना, और वो भी नहीं याद रहता तो कंपेरिजन तो है ही, कंपेरिजन इज एनी वे देयर कि कंपेयर करके निकाल लो लिटरली। जैसे मैंने ये बताया था कि कैपिटल ए इलिप्स में याद हो तो कैपिटल ए के ऊपर माइनर एक्सिस होता है ना, ऐसा बताया था मैंने। यस सर। हाँ तो वही चीज, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बट वही चीज यहाँ पे है, पॉजिटिव वाले के ऊपर ये ट्रांसवर्स एक्सिस सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ज़ूम्ड आउट है, अगर इससे ज्यादा ज़ूम आउट करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा और पीडीएफ में भी कचरा हो जाएगा। ये ऑलरेडी ज़ूम्ड आउट है, बहुत छोटा हो जाएगा और पीडीएफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं ज़ूम आउट नहीं कर रहा। तरफ हल्का ऊपर कर सकते। ओके ले हैंग हो गया, वन नोट ने भी हक दिया। देख लो कुछ और सर, नहीं सर थोड़ा नीचे कर सकते सर, कंपैरिजन तो चाहिए। ओके अभी होमवर्क नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क एट ऑल। नेक्स्ट एक और लेक्चर हो जान दो, एक और लेक्चर हो जान दो तो मैं होमवर्क दूंगा। अभी आप एलिप्स कंप्लीट कर लो, वेडनेसडे जितना करवा सकते हो उतना सॉल्व करवा लेना। हाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये रहा लास्ट पार्ट।
उसके नीचे कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिस इज द लास्ट पार्ट. इसके अच्छे क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर्टी प्लस एजिम्टोट्स और रेक्टेंगुलर पे. अपन करेंगे ना क्वेश्चंस, डोंट वरी, वो तो अपन करेंगे, चिंता मत करो. इसका तो एक्सरसाइज 3 भी इजी है, पता है इसका एक्सरसाइज 3 बहुत इजीली हो जाता है. सर चलो, हाँ बोलो सर. हो गया तो लीव कर देंगे ना अभी. हाँ, अगर किसी का पूरा कॉपी करके हो गया तो लीव कर सकते हो, बाकी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो. सर, इन दैट एच एंड सी और हाइपरबोला, व्हेन वी ऐड द टू इक्वेशंस वी गेट टू लाइंस. सो व्हाट आर दोस टू लाइंस कॉल्ड? व्हिच टू लाइंस? पहले ऐड करके देख ले. हाँ सर, वी विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई बाय बी. हाँ ठीक है. सो लाइक व्हाट आर दोस लाइंस कॉल्ड? लाइक दे मस्ट बी हैविंग सम सिग्निफिकेंस, राइट? हाँ है, एजिम्टोट्स होती हैं वो. ओके सर. हाँ तो वो मैं बताऊंगा अभी नहीं, बट वही तो अपन को डिस्कस करना है डिटेल में. एंड सर, लास्ट क्लास आई आस्क्ड दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाई डज इट हैव द मैक्सिमम एरिया? अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाई डज इट हैव मैक्सिमम एरिया? ठीक है, बता देता हूँ. सिंपल यार, एक काम कर, मैं अच्छा हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा. अच्छा बस ऐसे इमेजिन कर, अभी एक काम करते हैं, बेस फिक्स करते हैं. मान ले फॉर अ फिक्स्ड बेस, वैसे फिक्स नहीं है बट फॉर अ गिवन बेस, ये ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा? अगर मान लो ये बेस बी गिवन है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम कब होगा ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फ्रॉम हियर? इन सब ट्रायंगल्स में से किसका आइसोसेलिस वन? ठीक है, तो तुझे ये समझा कि फॉर दिस बेस, ये अभी फिक्स नहीं है बट अगर एक बेस फिक्स होता है तो इट हैज टू बी आइसोसेलिस फर्स्ट. ठीक है बस, तो ये आइडिया ले, इसको थीटा ले ले, है ना? और ये आर है तो ये बन जाएगा थीटा बाय टू, है ना? हाइट कितना बन जाएगा देख, ये आर है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये थीटा बाय टू है तो ये थीटा बाय टू, तो ये भी थीटा बाय टू होगा. तो कितना बन रहा है यार, एक सेकेंड, सॉरी, ये 90 है, ये थीटा बाय टू है तो ये थीटा हो जाएगा, है ना? एक्चुअली में सेंटर पे आधा हो जाता yes, है. तो ये भी आर है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये भी आर है तो बेसिकली ये हाइट कितनी बन रही है, आर कॉस थीटा, है ना? Yes, और ये कितना बन रहा है, दिस थिंग बेसिकली आर साइन थीटा, ना? तो तेरा एरिया क्या बन रहा है, हाफ इंटू बेस इज टू आर साइन थीटा इंटू हाइट इज आर प्लस आर कॉस थीटा, चलेगा? तो डू यू सी फंक्शन ऑफ थीटा, एफ डैश थीटा जीरो रख दे, थीटा 60 आ जाएगा. ठीक है, चलो बाय. कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अरे कुछ नहीं है दर्शन, अभी तक जितना बताया बस उतना कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज जस्ट वन की जगह माइनस वन रखना, और कुछ नहीं सीखना है अभी. अभी बस वन की जगह माइनस वन रखने से कॉन्जुगेट हाइपरबोला मिलता है एंड दे आर एसिम्प्टोटिक. बस चलो बाय, गुड डे.